दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन रेलवे एग्जामिनेशन रिलेटेड। जैसा कि आपको जानते हैं कि रेलवे का ग्रुप डी एग्जामिनेशन अभी चल रहा है, तो आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके साथ आंसर के साथ प्रोवाइड करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। यदि आपको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे आंसर का वेट करें, बट खुद से सॉल्व करें और आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं उसको कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन विल बी स्टेबलाइज इन डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ भोपाल। भोपाल के बजाय जिले में मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? इंदौर, पंजी, ग्वालियर और सीहोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सीहोर। करेक्ट आंसर सीहोर है। सीहोर एक जो है वो भोपाल में स्थित है। सेकेंड है कि नेशनल खादी फेस्टिवल 2018 इज बीइंग ऑर्गेनाइज इन। राष्ट्रीय खादी महोत्सव 2018 में आयोजित किया जा रहा है, वो कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, गांधीनगर। ये मुंबई में किया जा रहा है, जो कि ये किया गया बेसिकली गांधी जयंती में मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा, जो खादी महोत्सव खादी कपड़े को प्रोत्साहित करने के लिए ये महोत्सव मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया। तीसरा है वर्ल्ड एनिमल डे इज सेलिब्रेट ऑन। पशु दिवस कब मनाया जाता है? जो पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि अभी हाल ही में मनाया गया। तो ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन में आने के लिए, तो आप इसको रख सकते हैं कि पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया गया है। द फर्स्ट इवेंट रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ओमेन इन डिटेक्शन एंड एक्सेस टू जस्टिस टू प्लेस। हिरासत में महिलाओं और न्याय तक पहुंचकर पहला क्षेत्रीय सम्मेलन में आयोजित हुआ था। मीन्स कहाँ पे सबसे पहला क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो इसके ऑप्शन है लखनऊ, भोपाल, न्यू दिल्ली, शिमला। जो ये सम्मेलन सबसे पहले शिमला में आयोजित हुआ था। उसके बाद है द सुप्रीम कोर्ट हैज कंस्टिट्यूट ए 3-member कमेटी हेडेड बाय टूक इनटू द एक्सेप्ट ऑफ जेल रिफॉर्म। सुप्रीम कोर्ट ने जेल सुधारकों के पहलू को देखने के लिए की अध्यक्षता वाले 3-सदस्यीय समिति गठित की है। वो है नचिकेत मोर, एचआर खान, दीपक महांती, अमिताभ राय। तो जो इसका आंसर है वो है अमिताभ रॉय। अमिताभ रॉय का कमेटी जो गठित की गई है, 3-सदस्यीय कमेटी गठित की गई है सुप्रीम कोर्ट के जेल सुधारकों के पहलू को देखने के लिए। छठा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज रैंक एज द बेस्ट स्टेट इन स्वच्छ संरक्षण ग्रामीण अवार्ड 2018। निम्नलिखित सर्वेक्षण में से कौन से राज्य को सर्वोच्च सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2008 में सर्वोच्च राज्य के रूप में स्थान दिया गया था? उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, सिक्किम। तो इसका आंसर है दोस्तों हरियाणा। इंडिया फर्स्ट ग्लोबल स्किल पार्क विल बी स्टेबलाइज इन। भारत का पहला ग्लोबल स्किल पार्क में स्थापित किया जाएगा, महाराष्ट्र, गोवा, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो एक ग्लोबल पार्क बेसिकली महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद 8th क्वेश्चन है कि नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा हैज पार्टनर्ड विद टू लॉन्च ए मंथ लॉन्ग राफ्टिंग एक्सपेडिशन मिशन गंगा। क्लीन गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को एक महीने के
राफ्टिंग अभियान मिशन गंगे लॉन्च करने के लिए के साथ साझेदारी की है, वो की है टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन या विप्रो एडवेंचर फाउंडेशन या उत्तराखंड सरकार या भारतीय सेना। तो जो इसका आंसर है वो है टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन को के साथ मिल के उन्होंने राष्ट्रीय मिशन के एक महीने के राफ्टिंग अभियान मिशन गंगे लॉन्च करने के लिए की गई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू स्कोर ए सेंचुरी वन टेस्ट डिवर्ड। टेस्ट पदार्पण पर शतक लगाने वाला सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? उन्मुख चंद, लोकेश राहुल, पृथ्वी शॉ, करुण नायर। तो इसका जो आंसर है वो है पृथ्वी शॉ, जो हाल में ही दो दिन पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ 130 रनों की पारी खेली थी। ये बेसिकली बिहार के हैं और ये मुंबई में पले बढ़े हैं। देखते हैं द प्राइवेट लेंडर ICICI हैज अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर 5 years। निजी ऋणदाता ICICI बैंक ने 5 वर्ष के लिए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो वो है संदीप बख्शी को नियुक्त कर दिया गया है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को मैं का बेल बटन को प्रेस नहीं किए हैं तो बेल बटन को प्रेस करें। रेलवे एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।